नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज जनवरी की 10 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहूँगी कि सिलोसिया को कब और किस तरह से सीड से ग्रो करना है। वैसे तो इस पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, पर जो बुनियादी बातें हैं वो तो मैं बताऊँगी ही, उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो जैसे कि आप जान ही रहे हैं, आज जनवरी की जैसे 10 तारीख है तो भी मेरे गार्डन में ये खूब अच्छे से ये खिल रहे हैं, और कुछ एक प्लांट्स मैंने नए नए भी ग्रो किए हैं, उन पे जैसे फूल बड़े हो रहे हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस इन फूलों का अपने यहाँ किया है तो वो ये है कि मैं इन्हें पूरा साल भर अपने गार्डन में ग्रो कर सकती हूँ। जैसे कि साउथ इंडिया की जो जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर साल भर एक जैसा रहता है, तो वो साल भर फिर ग्रो कर सकते हैं। तो मैं जैसे इंडिया के सेंटर में रहती हूँ और दिल्ली से जो है, दिल्ली का टेम्परेचर और मेरे यहाँ का बहुत एक जैसा मिलता जुलता है, बस 2-3 डिग्री का कई बारी फर्क होता है और कई बारी एक जैसा होता है। जैसे सर्दियों में कभी तो एक जैसा मौसम हम दोनों के झांसी और वहाँ दिल्ली का रहता है, और कई बारी उनका टेम्परेचर जैसे 2-3 डिग्री बढ़ जाता है, और मेरे यहाँ फिर गर्मियों में कई बारी एक जैसा टेम्परेचर दिल्ली का और मेरे यहाँ का रहता है, और कई बारी मेरे यहाँ का जो है 2, 3 या 4 डिग्री दिल्ली से ज़्यादा होता है। तो करीब करीब बराबर ही एक जैसा ही, कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है और कभी कभी ठीक एक जैसा ही रहता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिन भाई बहनों को जो दिल्ली के आसपास रहते हैं जहाँ कहीं दूर रहते हैं तो उनका टेम्परेचर भी मिलता जुलता है, तो वो फिर इसे साल भर ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना मतलब बताने का जो तरीका था मैंने बताया। मैं अभी और कुछ प्लांट्स दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में बाद में चर्चा करूँगी। जैसे मेरे गार्डन में ये रेड कलर के भी खूब सारे थे, आपने देखे होंगे पिछले दिनों खूब सारे थे, तो वो फिर मुझे जैसे पोट चाहिए थे तो मैंने उसमें से निकाल दिए थे और ये प्लांट मैंने फिर तैयार कर लिया था। तो ये देखो, ये खिलना स्टार्ट हो गया है, आना स्टार्ट हो गया है, और ये इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप, तो ये अभी स्टार्ट हुआ और ये बड़ा होगा, तो ये फिर पूरा साल भर ये खिलता रहेगा। देख रहे हैं आप ये इस तरह से, और ये फिर ये भी निकलेंगे। और भी मैंने छोटे छोटे कई सारे प्लांट्स तैयार किए हैं। पहले मैं जो इसके बारे में चर्चा करूं, ये एशिया का नेटिव है, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे फैदरी फ्लावर भी कहते हैं। ये मुर्गे की कलगी जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें कॉक्सकॉम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये ज़्यादातर रेड की शेड लिए हुए होते हैं, पर इनके सिल्वर, येलो, गोल्डन और ऑरेंज ऑरेंज कलर के हाइलाइट्स होते हैं। इनकी लीव्स वैसे तो ग्रीन होती हैं पर रेड और क्रीम कलर की भी पाई जाती हैं, और जब थोड़ी सी ठंडा मौसम हो जाता है तो ये अपना रंग चेंज कर लेते हैं, जैसे ग्रीन कलर की लीव्स। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने वीडियो नंबर 565 बनाया था 11 नवंबर को जब झांसी में फर्स्ट फोग था, तो ये वही प्लांट है, तो ये वही फूल है। तो 2 महीने इसको हो चुके हैं और उससे भी पहले ये कब का खिला हुआ, तो करीब 3 महीने का ये फूल ऐसे ही लगा हुआ है, और ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया है, इतने लंबे टाइम तक इसके जो फूल हैं ये बने रहते हैं। और पहले जब मैंने 11 नवंबर को ये प्लांट दिखाया था तो इसकी पत्तियां जो ग्रीन कलर की थी, और अभी जब सर्दियों में ठंड पड़ती है तो इसकी पत्तियां फिर ये रेड कलर की हो जाती हैं। ये देख पा रहे हैं आप ये इस तरह से। तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो मुझे बड़ी असुविधा हो रही है क्योंकि प्लांट ये मेरा काफ़ी ऊंचा है, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो इसका बुरा नहीं मानिएगा आप। पर रेड और जैसे क्रीम कलर में मैंने बताया ना, पत्तियां भी होती हैं और फिर वो रंग ये अपना चेंज करती रहती हैं मौसम के हिसाब से। इस प्लांट के 2 मेन ग्रुप होते हैं, पहला जिसे प्ल्यूमोसा कहते हैं, उसके फ्लावर्स पतले पतले, ये जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी, ये जो प्ल्यूमोसा इसके फ्लावर्स ये देख रहे हैं आप, ये पतले पतले होते हैं ये,
ये इस तरह से, ये जो ग्रुप दो ग्रुप में बताया ना, एक ग्रुप ये हो गया, ये पतले पतले फ्लावर्स होते हैं, और भी कई तरह के ये होते हैं, ये देख पा रहे हैं आप। तो प्लूमोसा इसे कहते हैं, ये जो पतले पतले जो फूल ये निकल रहे हैं, और इनके फूल जो हैं ये गुच्छों में निकलते हैं, ये जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग ये निकलते हैं, ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये अलग अलग निकलते हैं, और ये स्टॉक पे ये इस तरह से ये निकल रहे हैं, और ये फिर ये ऐसे गुच्छा बन जाते हैं, ये इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देख पा रहे हैं ये आप, ये भी बहुत लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। तो ये जुड़े हुए नहीं होते हैं और अलग अलग ये स्टॉक पे निकलते हैं। और जो दूसरे ग्रुप को, ग्रुप के जो फ्लावर्स होते हैं उसे, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं दूसरा ग्रुप जो है, इसे क्रिस्टाटा कहते हैं। इसके फ्लावर की जो स्टॉक होती है वो जुड़ी हुई होती है, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे से आ रही है जैसे ये, और इसी स्टॉक पे कि एक बड़ा सा फूल इस पे निकलता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे फूल निकलता है। इसके फ्लावर्स काफी टाइम तक चलते हैं, ये बिना मुरझाए 2.5 से 3 महीने तक आराम से रह लेते हैं। तो इसे लगाना कब है, इसे आप अभी जनवरी और फरवरी में ग्रो कर सकते हैं, और जो मेरे बहन भाई अभी जनवरी और फरवरी में इसे ग्रो करेंगे तो फिर इसके फूल जो हैं वो आपको गर्मियों में मिलेंगे। और वैसे जब आप एक बारी ग्रो करते हो, ये प्लांट साल भर चलते हैं, और उसके बाद फिर आपने कब इन्हें ग्रो करना है, तो आप जनवरी में भी ग्रो कर सकते हो और अभी फरवरी में भी, उसके बाद जिन जगहों में जैसे जून में बरसातें स्टार्ट हो जाती हैं तो वो जून में, जून जुलाई और अगस्त में भी ग्रो कर सकते हैं, और मैं तो बीच बीच में पूरा साल भर जैसे करती ही रहती हूँ ताकि इसके फूल साल भर बने रहें। ये देख पा रहे हैं आप इस तरह से, ये जो क्रिस्टाटा सीड लगाने के करीब ये 3 महीने में जो ये फूल देना इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ये दूसरे वाला मैंने ये बताए हैं, ये प्लूमोसा, ये जो वैरायटी के हैं, ये 2 महीने में इसके फूल जल्दी आ जाते हैं। इन्हें धूप कैसी चाहिए, इन्हें धूप बहुत पसंद है, तो इन्हें फुल सनलाइट जो है बहुत भाती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इन्हें कोई स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में जो है नॉर्मल गार्डन की जो सॉइल होती है उसमें ये चल पड़ते हैं। बस आप ये है कि थोड़ा गोबर की खाद वगैरह उसमें मिक्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से ये चलते हैं। और पानी कैसे देना है, पानी की जो इस प्लांट को है खूब ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट ड्रेनेज सिस्टम जो है आपने अच्छा रखना है। बोलने का मतलब ये कि पानी आपने इनको रेगुलरली देना है, बस ये आपने करना है, और पानी जो इनकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं। तो इस फ्लावर को किस कैसे कैसे हम इस्तेमाल ला सकते हैं, इन्हें कट फ्लावर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राइड फ्लावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कलर हैं काफ़ी लंबे टाइम तक वो बने रहते हैं, उनका रंग जाता नहीं है। इस तरह से ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं जैसे ये काट के, ये मैंने अभी काटा था इसको, ये काट के आप अपने ड्राइंग रूम में इसको सजा सकते हैं, तो लंबे टाइम तक इसके फूल बने रहते हैं। और अगर आप एक प्लांट एक पोट में, जैसे ये मेरा 8 इंची का पोट है तो इसमें एक प्लांट रखें, तो ये क्योंकि स्टेम इसकी काफ़ी भारी हो जाती है, फूल भी भारी हो जाते हैं, संभालना मुश्किल होता है, तो ये लकड़ी से मैंने इसको सपोर्ट दे रखी हुई है, तो एक ही लगाएं तो ये खूब अच्छे से ये चलते हैं। ये दूसरा प्लांट मैं दिखा रही हूँ, और ये वाला जिस पे मैं अभी फोकस कर रही थी, तो देखो कितने भारी फूल आए हैं, और मुझे नीचे पत्थर लगाना पड़ा है इस प्लांट को संभालने के लिए। ये इस तरह से इस तरफ मैंने पत्थर लगा रखा हुआ है, तो इसमें बाद में जब ये अच्छे से चल पड़ा तो मैंने कुछ कुछ और भी ग्रो कर दिए, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये वाले जो दूसरी वेराइटी वाले, ये इसमें भी मैंने एक पोट में 3-4 तरह के ये ग्रो कर रखे हुए हैं, इसमें 3-4 ये भी मैंने कैलेंडुला भी थोड़ी जगह बची थी तो उसमें ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिए, ये आप देख पा रहे हैं तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो और भी मैं ये दिखाती हूँ आप,
ये इस तरह से भी है, फ्लेमिंगो फैदर भी ने कहा जाता है। ये देखा छोटे छोटे, ये इसकी पत्तियां इस तरह से हैं क्रीम कलर की, और ये निकल रहे हैं। और जब ये सूखते हैं तो इन्हीं में सीड भरा हुआ आता है, और एक बार जब आप इन्हें ग्रो कर दोगे तो फिर ये ख़त्म ही नहीं होते, अपने आप सीड गिरता जाता है और अपने आप फूल जो है प्लांट्स तैयार होते जाते हैं। ये भी मैंने कुछ ग्रो कर रखे होंगे, ये बहुत लंबे हो गए हैं, ऊंचे हो गए हैं। ये फ्लेमिंगो फैदर के नाम से भी जाना जाता है, और भी कई सारी इनकी वेराइटी होती हैं, ये देख पा रहे हैं आप। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही इनके सीड जैसे डाल दिए थे, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखो प्लांट्स ये निकल आए हैं इनके, ये आप देख पा रहे होंगे ये निकल आए हैं। तो जैसे किसी पोट में कोई प्लांट लगा होता है तो मैं स्पेशली अलग से नहीं डालती हूँ, तो उसी में लगा देती हूँ। तो फिर ये साथ के साथ जब दूसरे प्लांट को पानी मिलता है तो इनको भी मिलता है। तो ये देखिए, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो ये रेड कलर वाले हैं, ये आप देख कर पा रहे हैं, ये रेड कलर वाले हैं। तो इस तरह से भी, तो अलग लगाना चाहते हैं तो आप अलग भी लगा सकते हैं। मेरे जैसे ये प्लांट्स कुछ लगे हुए हैं, और ये कुछ मेरे हस्बैंड किसी यूनिवर्सिटी से लाए हुए हैं, तो ये मैंने अभी ग्रो नहीं किए हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ, इस पर कुछ लिखा तो है नहीं कौन से कलर के हैं या कौन सी वेराइटी के हैं, तो मैं ये थोड़े से इसमें डालना चाहती हूँ, इस तरफ डालना चाहती हूँ। ये पड़े हैं, बस ऐसे ही मैं डाल दूँगी इसमें से। और जो मैंने खुद ग्रो किए हैं वो अभी, तो वो अभी मैं नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अभी वो ये जो है ये रेड कलर वाले हैं, बस ऐसे छिड़क देने हैं आपने, ये बस इतने काफ़ी हैं जितने मैंने डाले हैं। और इसको मैं ये ऐसे मिट्टी में दबा दूँगी। ये दिख रहे होंगे आपको, ये डले हुए, ये दिख रहे होंगे, ये इकट्ठे दिखे ना ये सीड, क्योंकि डालते हुए ऐसे पता नहीं चल रहा था, मुझे असुविधा हो रही है यहाँ पे। बस ऐसे मिट्टी में मिक्स कर देने हैं ये, इसमें ये कर देने हैं मिट्टी में मिक्स कर देने हैं। और ये मिट्टी मेरी गिल्ली है, इसमें मैं कुछ पानी वानी नहीं दूंगी। तो ये कुछ दिनों में उगाएंगे, बस चिड़ियों से इनको बचा के रखना है। ये मेरे खूब सारे निकले थे, सारे चिड़ियाँ खा गई, फिर मुझे ये मजबूरी में अलग से इधर छाया में थोड़ा रखने पड़े हैं। तो इनको धूप में रखना है, और जहाँ कुछ लकड़ी वगैरह ऊपर दे दें तो बहुत जल्दी ये हफ्ते के अंदर ही निकल आते हैं। ये इस तरह के सीड होते हैं, और ये जो अलग से लगे हैं ना रेड कलर के भी, जो मैंने दिखाए पहले, मैं कई बारी दिखाए मैंने आपको, तो ये मुझे जो सीड मेरे हस्बैंड कोयम्बटूर से लाए थे, तो इसमें रेड कलर के आए थे कॉक्सकॉम के, तो ये वही हैं, कई तरह के थे इसमें, तो मैंने आपको कई बारी दिखाए भी हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो प्लांट्स निकलने तक आपने मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना है, और इसको तेज़ धूप चाहिए, धूप इसे बहुत पसंद है, और सर्दियों की धूप आपको पता ही है कि हल्की धूप होती है। और चिड़ियों से बचाने के लिए ऊपर कुछ लगा सकते हैं, तो मैं भी अभी इसको तेज़ धूप में रख दूँगी, ताकि मेरे ये प्लांट्स जल्दी से बड़े हो जाएँ, फिर मैं इन्हें अलग अलग करके लगा सकूँ। तो ये बहुत जैसे बड़े होते हैं, अगर अच्छी खुराक मिलती है, अच्छी मिट्टी मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अगर इकट्ठे लगाएंगे तो फिर पतले पतले निकलेंगे, फूल तो उन पे भी आएंगे, मैं ये आपको दिखाऊँ। जैसे ये देख रहे हैं एक पोट में ये खूब सारे इकट्ठे इकट्ठे लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे पतले पतले प्लांट हैं, इनमें भी ये देखो इतने बड़े बड़े फूल आए हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ऐसे तो लगते हैं पर उतना बड़ा अच्छे साइज से फूल आना फिर वैसे नहीं होता, तो छोटे में भी फूल आ जाते हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा खुले पोट में लगाइए, तो 5 इंची के पोट में एक प्लांट आप लगा सकते हैं, तो उसमें उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। चलते चलते मैं कुछ दिखा दूँ, ये मेरे गार्डन है, में देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं गुलाब के, ये देख पा रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत फूल, ये बहुत ही सुंदर फूल आ रहे हैं, ये खिल रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और ये टाइगर रोज़ भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ब्लैक टाइगर रोज़ कितना प्यारा लग रहा है। होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम मेरे बहन भाई ये ज़ेबरीना होली हो को ज़रूर ग्रो करें, इसमें ढेरों फूल, बहुत सारे फूल हर रोज़ निकलते हैं, और लंबे टाइम तक ये कई महीनों तक ये बने रहते हैं फूल इसके, क्योंकि जो मार्च में मैंने आपको सीड कलेक्ट करना अपने फ्रेंड के यहाँ से बताया था, तो तब भी उनके उनके प्लांट पे ढेरों फूल आ रहे थे उस टाइम भी।
तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली कैमरा हिलने से, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा था, मुझे असुविधा हो रही थी बताने में, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर और बड़े बड़े फूलों का आप अपने गार्डन में, गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं ये फ्लावर्स लगा के। ये देखिए कितने बड़े बड़े फूल, और कितने लंबे टाइम से, कब से ये खिल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से। और जब मैंने इनको, जो मैंने बरसात में मेरे फूल आए थे, तो मेरे कई भाई बहनों का कहना था कि हमारे गार्डन में अभी खिल नहीं रहे हैं, तो मैंने उनको जो लगाया था, तो मैंने विंटर में लगाया था, तो वही फूल फिर मेरे जल्दी से समर में भी लगे थे, खिले थे, और फिर वो मेरे बरसात में भी फूल आ गए थे, जल्दी आ गए थे। और जो फिर हम बरसात में जिन्हें ग्रो करते हैं, तो वो फिर आगे लंबा टाइम बाद में आते हैं, खिलते हैं। तो आप पूरा साल भर, जो जैसे मेरे जैसा क्लाइमेट है, तो फिर आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा फूल है, ये मेरा हाथ इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये कहाँ, ये ऐसे पहुँच रहा है यहाँ पे। नमस्ते जी, शुक्रिया।